घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अब मैं जो भी बात करूंगा वो सिर्फ तुझे मारने के बाद करूंगा। क्या इस बार कोई बॉलीवुड स्टार दिखेगा पुष्पा 2 में? क्या है सुकुमार के बिग मार्केटिंग प्लान्स पुष्पा 2 के लिए? क्या ज्यादातर पैन इंडिया एक्टर्स को लिया जाएगा तमिल रोल के लिए? बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अल्लू अर्जुन और रश्मिका की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा द राइज के बारे में और साथ ही फिल्म के अगले पार्ट से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पुष्पा द राइज मूवी पिछले साल दिसंबर में आई थी और आज तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खासकर इंस्टाग्राम की रील्स पर फिल्म का क्रेज बरकरार है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर, सिंगर्स, वर्ल्ड वाइड क्रिकेटर और इन्फ्लुएंसर्स आज भी पुष्पा के फेमस डायलॉग्स, डांस मूव, गाने और पुष्पराज की यूनिक चलने के स्टाइल को लेकर कुछ ना कुछ नया ला ही रहे हैं। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो किसी को भी फेमस कर सकती है, तो वहीं ट्रोल कर करके मजाक भी बना सकती है। दोस्तों, अगर पुष्पा के सेकंड पार्ट में बॉलीवुड का कोई बड़ा स्टार किसी क्रूशियल रोल के लिए लिया जाता है तो वो पुष्पा के बिजनेस को आसमान तक ले जा सकता है। और अगर हम पुष्पा के जैसी दूसरी बड़ी साउथ की फिल्में जैसे राजा मौली की ट्रिपल आर या प्रशांत नील की केजीएफ चैप्टर 2 की बात करें तो इन दोनों में ही बॉलीवुड सुपरस्टार जैसे कि ट्रिपल आर में आलिया भट्ट, अजय देवगन और केजीएफ चैप्टर 2 में रवीना टंडन और संजय दत्त को अहम किरदारों में लिया गया था। इससे हम यह कह सकते हैं कि साउथ डायरेक्टर्स पूरी इंडिया में अपनी फिल्म को फेमस करने के लिए सुपर हिट बॉलीवुड स्टार को कास्ट कर रहे हैं। साथ ही पुष्पा के अगले पार्ट के लिए सुकुमार ने एक पैरेलल विलन का रोल लिखा है जो फहाद फासिल के साथ होगा। वो एक मुंबई के स्मगलर का किरदार होने वाला है जो फिल्म में एक अहम किरदार है और उसके लिए कोई फेमस बॉलीवुड स्टार नजर आ सकता है। साथ ही बाकी के रोल्स के लिए भी सुकुमार रेगुलर तेलुगु या तमिल एक्टर्स की जगह पर पैन इंडिया एक्टर्स को कास्ट करने वाले हैं। यह भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, फिल्म में जितने जाने माने चेहरे होंगे उतना ही लोग फिल्म देखने के लिए आएंगे। और वैसे भी पैन इंडिया एक्टर्स की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है और साइड हीरोज का भी फैन बेस बड़ा होता है। अब देखना यह है कि इस सभी स्ट्रेटजी के साथ सुकुमार, अल्लू अर्जुन और रश्मिका पुष्पा पार्ट 2 में क्या कमाल दिखाते हैं। आपके हिसाब से बॉलीवुड के कौन से एक्टर को पुष्पा के वर्ल्ड में आने का मौका मिलेगा, यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। We'll be right back.